नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कि हम ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और कैसे हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके अपना व्यू बना सकते हैं कि कॉल बाय करना है या पुट बाय करना है। और देखिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल पर एक सीरीज चल रहा है जीरो से प्रो ट्रेडर, तो आप सभी लोग चैनल पर जाके पूरा प्लेलिस्ट देखें स्टेप बाय स्टेप, पार्ट टू पार्ट, ताकि आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप लर्निंग मिले और आपको आगे जाके परेशानी का सामना ना करना पड़े। और मैं जो बता रहा हूँ, कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न, वो सभी आपको देखना है और ये सभी वर्क करता है, मतलब जो वर्क करता है वही मैं बता रहा हूँ। और शेयर मार्केट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आपको पूरा लर्निंग लेना पड़ेगा तभी आप कुछ अर्निंग कर पाते हो, मतलब प्रॉफिट जनरेट कर पाते हो। तो मैं सभी जो चीज़ें बता रहा हूँ वो काम करेगा ही करेगा, और आपको जो मैं बता रहा हूँ उसी पर फोकस करना है, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप जो मैं चीज़ बता रहा हूँ वो फॉलो करना है। और ऐसे वैसे वीडियो देख कर ना आए, किसी एक बंदे को फॉलो करो, तभी आप स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हो किसी भी जो आपको अच्छा लगे। तो आज के वीडियो में बात करेंगे कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है, मतलब किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, और यह पार्ट का वीडियो होने वाला है, पार्ट नंबर 15। आप जितना भी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको सभी लोगों को प्रैक्टिस तो करना ही है, और मैं जो भी चीज़ बता रहा हूँ वो लाइव चैट ना देख पाए तो कम से कम बैक टेस्टिंग करें, ताकि आपको जानने को मिले, समझने को मिले कि यहाँ पर कैंडल बनता है, ऊपर बनता है, नीचे बनता है। बैक टेस्टिंग मतलब चार्ट को पीछे करके देखना, और जो मैं कैंडलस्टिक बता रहा हूँ वो सभी चीज़ें काम करेगी, लेकिन आपको पूरा फोकस यहाँ पर ही रखना है जो मैं सिखा रहा हूँ। तो चलिए फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये एंजल ब्रोकिंग ऐप है। तो आप अभी अकाउंट नहीं ओपन कर सकते तो एक ऐप है ट्रेडिंग व्यू, उस पे आप अलग अलग चार्ट देख सकते हो इंडेक्स का, बैंक निफ्टी का, फिंग निफ्टी का, निफ्टी 50 का, तो वहाँ जाकर आप जरूर देखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बनी हुई है, और मैंने जो कैंडल स्टिक बताई वो भी यहाँ पर बनी हुई है। तो मैं जो बता रहा हूँ वो काम करेगा ही करेगा, पर आपको प्रैक्टिस करना होगा, और इतना जो मैं सिखा रहा हूँ उतना आप कर लोगे तो भी आप शेयर मार्केट से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो यहाँ पर स्विंग बना हुआ है, मतलब यहाँ से ऊपर गया, नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे करते हुए मार्केट मार्केट मोटा मोटा ऊपर ही जा रहा है, मतलब यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे वो आपको बताते। तो यहाँ पर हम यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, मतलब आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट ऊपर गया और यहाँ से ट्रेंड लाइन को टच किया और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर चला गया, और अभी यहाँ पर मार्केट ने फिर से टच किया, मतलब अप ट्रेंड की ये ट्रेंड लाइन है, अप ट्रेंड मार्केट में है, मार्केट अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, पर मार्केट ट्रेंड लाइन को टच करके ऊपर जाता है और फिर से मार्केट नीचे ट्रेंड लाइन को टच करता है, मतलब मोटा मोटी चार्ट ट्रेंड लाइन पे वापस जरूर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में आपको दो स्विंग टच करने चाहिए, मतलब एक यहाँ पर बन गया, यहाँ पर बन गया, तभी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। दो तीन कैंडल देखकर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया जाता है, मतलब मार्केट जब अप ट्रेंड में है तब डाउन ट्रेंड की बात कर लेते हैं। डाउन ट्रेंड में हम ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, मतलब मार्केट नीचे रहता है तब। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम ड्रॉ करके दिखाते हैं, तो यहाँ से ले लिया हमने, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट ट्रेंड लाइन के नीचे है। जब तक मार्केट ट्रेंड लाइन के नीचे है तब आप, मतलब जब मार्केट ट्रेंड लाइन के नीचे है तब तब आपको पुट में ही जाना है, कॉल नहीं बनाना, मतलब कॉल में एंट्री नहीं करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया और ट्रेंड लाइन को टच किया, फिर बाद में मार्केट नीचे आया, बाद में यहाँ पे ऊपर आया, ट्रेंड लाइन को टच नहीं किया, और यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर बाद में ट्रेंड लाइन को टच किया,
और यहाँ पर जब मार्केट ट्रेंड लाइन को टच किया और डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है, तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन को टच करते हुए मार्केट जब बेयरिश कैंडल बनाती है तो हम वहाँ से एक पुट बाय करते हैं। मोटा मोटी आप समझ लो कि ट्रेंड लाइन जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, तो हम ज्यादा से ज्यादा पुट बाय करने की ही कोशिश करेंगे, और जब मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब हम कॉल को ही बाय करेंगे, पुट की तरफ नहीं जाना है। और यहाँ पर अप ट्रेंड में जब मार्केट ट्रेंड लाइन को टच करता है तब यहाँ पर बुलिश कैंडल बनती है कोई भी, तो हम फिर से बाय करते हैं और 1:1, 1:2 का टारगेट हम अचीव कर सकते हैं। तो ऐसे ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया जाता है। आपको ट्रेडिंग व्यू में जाकर ये ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करनी है और सीखना है। वीडियो को सिर्फ देखना नहीं है, आपको वीडियो के बाद प्रैक्टिस भी करना है। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।